फिनोल एक्स इंडस्ट्री क्वार्टर टू के रिजल्ट। फिनोल एक्स इंडस्ट्री पीवीसी पाइप और फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग फिनोल एक्स इंडस्ट्री ने आज 21 अक्टूबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने 97.96 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 95.38 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। फिनोल एक्स इंडस्ट्री ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। फिनोल एक्स इंडस्ट्री का मुनाफा तो बड़ा है, लेकिन सितंबर तिमाही में कंपनी के राजस्व में गिरावट आई है। तिमाही के दौरान कंपनी के ऑपरेशन में राजस्व से 16% की गिरावट देखी गई और जय 883.15 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि 941.13 करोड़ रुपये था। कंपनी का बयान है, फिनोल एक्स इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रकाश पी छाबड़िया ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगातार कंजप्शन आधारित ग्रोथ प्रस्त कर रही है। पाइप और फिटिंग सेगमेंट जो आर्थिक विकास में योगदान देने में अहम भूमिका निभाता है, साल दर साल आधार पर मजबूत हो रहा है। ग्लोबल पीवीसी कीमतों अब तक के निचले स्तर के करीब हैं, जिससे कीमतें स्थिर होने पर पाइप और फिटिंग की मांग बढ़ सकती है। शेयरों का प्रदर्शन। फिनोल एक्स इंडस्ट्री ने अपने बीते शुक्रवार को 1.39% की बढ़त के साथ 226 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं। इस पिछले एक महीने में कंपनी ने शेयरों में करीब 2% की तेजी आई है। पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 40% चढ़ा है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 20% उछले हैं, वहीं पिछले एक साल में इसने 69% का मुनाफा कराया है।